भीषण गर्मी से इंसान तो क्या जानवर भी परेशान है। मई का महीना चल रहा है लेकिन मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से आग बरस रही है। भयानक गर्मी से हर तरफ त्राही त्राही बांध मचा हुआ है। प्रचंड गर्मी, मचा हाहाकार, आसमान से बरस रही आग, तपती जलती गर्मी ने किया बेहाल। भीषण गर्मी से पशु भी परेशान, बेजुबानों पर भी गर्मी का सितम। भयानक गर्मी से त्राहिमाम। बढ़ती भीषण गर्मी, धूप और तपिश से इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी बेहाल नजर आ रहे हैं। इन दिनों बढ़ते तापमान के कारण इंसानों के साथ साथ जंगली जानवर भी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। गर्मी की वजह से जंगलों के भीतर पानी के प्राकृतिक जल स्रोत सूख चुके हैं। जंगली जानवर अपनी प्यास बुझाने के लिए आबादी का रुख कर रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते जंगल के भीतर के हालात बेहद गंभीर होते चले जा रहे हैं। बारिश का दौर शुरू होने तक जंगल के भीतर प्राकृतिक जल स्रोत रिचार्ज नहीं हो पाएंगे, जिसके चलते भीषण गर्मी के इस दौर में हालातों से निपटने के लिए वन विभाग भी मुस्तैद हो चुका है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इस भीषण गर्मी का प्रकोप इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी भुगतना पड़ रहा है। जंगली जानवर प्यासे हैं, परेशान हैं और जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो कहीं ना कहीं सूख चुके हैं। तो जो वन विभाग है उन्होंने जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक कच्चा तालाब यहां नजर आ रहा है जिसे लगातार वन विभाग पानी से रोजाना भरने की कोशिश करता है। तिमली रेंज में वन विभाग ने जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं की है। जंगल के भीतर कच्चे और पक्के तालाबों में टैंकरों के जरिए रोजाना पानी भेजा जा रहा है। जो जंगली जानवर हैं, वो समय समय पर यानी सुबह और शाम इस तालाबों से अपनी प्यास को बुझा रहे हैं। यहाँ पर बीते कुछ सालों में कुछ वन विभाग ने पक्के तालाबों का भी निर्माण किया है। ये जो पक्के तालाब हैं, आप मेरे पीछे यहाँ देखिए, ये पक्के तालाब जो हैं कुछ सालों पहले वन विभाग ने बनाए थे और इनका मकसद जो था वो इतना था कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो और जो प्राकृतिक स्रोत हैं जब सूखने लगे तो इन्हें इन पक्के तालाबों को पानी से भरा जाए। जंगल में जंगली जानवरों के लिए पानी पहुंचाने के इस काम में वन विभाग के साथ कुछ सामाजिक लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। भले ही तालाबों में पानी भरा जा रहा है, ये पानी पूरे जंगल के जानवरों के लिए पर्याप्त ना हो, लेकिन फिर भी जंगली जानवरों की प्यास बुझाने के लिए वन विभाग अपनी ओर से बेहतर प्रयास करने की कोशिश में जुटा हुआ है। जब तक इंद्र देवता मेहरबान नहीं होंगे और बारिश जो है वो नहीं होगी, जब तक जंगली जानवर जो है प्यासे, उनकी प्यास पूरी तरीके से नहीं बुझ पाएगी। फिलहाल वन विभाग ने कुछ व्यवस्थाएं जरूर की हैं और जो राहत देने का जंगली जानवरों को काम कर रही है। विकासनगर की टीम लीरेन से मोहम्मद मुजम्मिल, जी मीडिया।